ये किधर है? मैं रोते लगता। अस्सलाम वालेकुम। तो व्हाट्सअप कैप गैंग, वेलकम बैक टू अनदर एक और वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। एंड गाइस, ये वाली वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। एक भाई मुझे कमेंट करते हैं कि आप ना पूरी वीडियो अपलोड करो, तभी मुझे पता चलेगा इनफिनिक्स नोट 30 लैग करता है कि नहीं करता। तो ये भाई की फरमाइश पे मैं गेम प्ले पूरा ही लेकर आ चुका हूँ। उसको लग रहा था, उस भाई को लग रहा था कि ना पता क्या सीन है, ये ना क्लच वैसे निकाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा गेम प्ले, जो अच्छी अच्छी जहाँ पर इनकी फ़ाइट होती है उधर पूरा पीछे होल्ड करते रहते हैं, फिर ना ये जहाँ पर अच्छी अच्छी फ़ाइट होती है वो फ़ाइट दिखा देते हैं। तो ये लो भाई साहब पूरा गेम प्ले, मैंने तो मैं ये ना पता क्या सीन है, आजकल पूरा बंदा ना पूरा गेम प्ले देखता नहीं है, जिसकी वजह से मैं पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। थोड़े थोड़े क्लच ऐड करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ना वो थोड़े थोड़े क्लच जो होते हैं हैवी सीन जहाँ पर हुए होते हैं ना, वो आप लोगों को दिखाना बनता है, वो फिर लोग देखते भी हैं। तो ये भाई समझ रहे होते हैं कि ना ये थोड़े थोड़ा गेम खेलते हैं जिसकी वजह से इनका फ़ोन लैग नहीं करता। तो रेगुलर एक पूरा गेम प्ले डालेंगे ना, जिसकी वजह से इनका फ़ोन हीटअप भी होगा, उसकी वजह से ना ये लैग भी करेगा, फिर हमें पता चलेगा लैग करता है नहीं करता। तो ये पूरा गेम प्ले आप लोग इंजॉय करो, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पर आप लोग खुद चेक कर लेना कि कितना खून ईटअप होता है कि कितना नहीं होता। और एक भाई ना मुझे बोल रहे होते हैं कि भाई साहब आपके ग्राफिक HD आते हैं, ये क्या सीन है? तो मैं आपको बता दूं, मैं ना काइन मास्टर से एडिट करता हूँ वीडियो को, उससे ना थोड़ा सा ना ग्राफिक वाला सीन भी होता है, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ी सी क्वालिटी इसकी ना हाई कर देता हूँ। आप लोग खुद देख लेना, जो बंदे काइन मास्टर यूज़ करते हैं उनको पता होगा ये कैसे सीन होता है, तो वो करते भी होंगे। तो इसी वजह से ना इसके ग्राफिक थोड़े से अच्छे और स्मूथ आप लोगों को दिखाई दे देते हैं। तो बाकी वीडियो इंजॉय करो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। वीडियो काट काट के ना मैंने 4 से 5 मिनट की बनाई है, तो आप लोगों ने ना पूरी वीडियो वॉच करनी है तो बहुत ही मज़ा आएगा। अब यहाँ पर ना 1v4 वाला सीन भी यहाँ पर चेक करो, ये यहाँ पर मैं 1v4 कैसे करता हूँ। और जब तक बंदे रश करते हैं, उससे पहले आप लोगों ने वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी ये क्लच इंजॉय करो। ये गाइस, अब इस बंदे की मुझे समझ नहीं आती, ये मौली कर रहा होता है मेरे ऊपर, मुझे समझ नहीं आती। ये बंदे 3 अलग थे, अगर वो पहले फिनिश हो जाते हैं तो ये बंदा कौन था, मुझे कोई समझ नहीं आई इसकी। तो आपको समझ आई है मुझे कमेंट करके लाजमी से बताना। ये वही बंदे होते हैं, उन बंदों को हम मार रहे होते हैं जिन बंदों को हमने इवेंट में मारा होता है। अब यहाँ पर एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ, और उसके बाद इसका एक और टीममेट होता है, वो अपनी लोकेशन रिवील नहीं कर रहा होता। चलो कोई नहीं, इसको फिनिश करते हैं, सीधा फारजू पर पहुँचा दिया बिना हैशटैग। उसके बाद यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे ना बंदा दिखाई भी नहीं दे रहा होता, तो हम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ना ये मेरे दोनों टीममेट को मार देता है, सीधा फारजू पे पहुँचा देता है कैंपिंग कर कर के। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी हम ना लगे हाथ फारजू पे पहुँचाएंगे, वो भी ग्रेनेड के साथ। चेक करना आप लोग, ये गाइस, अब मेरे टीममेट को यहाँ पर पता होता है कि इसका ग्रेनेड परफेक्ट होता है, जहाँ पर भी करता है हैवी वाले ग्रेनेड ही करता है। तो गाइस, कल वाली वीडियो आप लोगों ने लाजमी से देखनी है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किससे एडिट कैसे वीडियो को एडिट करता हूं, क्वालिटी इसकी कैसे हाई करता हूं, और उसके बाद कौन से रिकॉर्डर से मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ जिसकी वजह से हाई क्वालिटी हो जाती है। तो गाइस, बाकी वीडियो जहाँ तक की थी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना आप लोगों ने लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जल्दी से 1K करवा दो प्लीज़। थैंक यू सो मच जो बंदे मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बाकी यार जल्दी से 1K करवा दो, शेयर करोगे ना तो हो भी जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।